नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ 4th of October 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारा फर्स्ट न्यूज क्या है। 7 out of 106 names suggested as High Court judges cleared so far CJI. What is the full form of CJI? That is Chief Justice of India. Now question come, who is our Chief Justice of India? That is N.V. Ramana is our Chief Justice of India. Look, बहुत दिनों से ये जो Supreme Court का मतलब appointment हो रहा है उसको लेकर बहुत news पर आया है। तो अभी क्या हो गया, 106, ठीक है, 106 जो मतलब नाम दिया गया था उसमें 7 अपॉइंटमेंट हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 106 नेम्स आर सजेस्टेड फॉर द हाई कोर्ट जजेस, आउट ऑफ विच 7 जजेस आर अपॉइंटेड फॉर द हाई कोर्ट जज। क्लियर। तो यहाँ पर दो तीन चीज याद रखना है, कितना जजेस अपॉइंट हुआ है। अब देखिए ये जो मतलब यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा जगह है, गुवाहाटी, त्रिपुरा, केरला। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज कितना है, ठीक है, वैकेंसीज को लेकर यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पर सब हेडिंग जो दिया हुआ है, मिनिस्टर हैज एग्रीड टू प्रोसेस रेस्ट ऑफ द नेम रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम। सो व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम? कोलेजियम सिस्टम इज नथिंग बट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है, मैंने बहुत बार बोल भी दिया था, लेकिन आज जो चैनल पहले बार देख रहे हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है, देखिए पहले क्या होता था, 1981 के बाद बोल रहे हो, वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए अगर कोई एक ही पर्सन है वही अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर थोड़ा सा पार्शियलिटी आ सकता है। इसीलिए 1993 में क्या हुआ, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दो और जजेस दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट। तो फ्रॉम द 1993 ये कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है 1993 से। उसके बाद देखिए तीन जज को लेकर भी नहीं हुआ रहा था, तो 1995 सीजीआई के साथ और एक मतलब और जजेस दोनों थे, उसके बाद फिर दोनों मतलब टोटल 5 बेंचेस मेंबर हो गया था। दिन बर दिन बढ़ गया, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा था, थोड़ा नेपोटिज्म आ रहा था। सपोज कोई आपको अगर कोई सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो आप अपना पसंदीदा लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे ना, तो वहां पर हो भी सकता है वो इतना कैपेबल नहीं हो। तो इसीलिए वहां पर कोलेजियम सिस्टम एक जन के लिए नहीं, मतलब और कोई जजेस रहेगा तो हम मतलब वो नेपोटिज्म नहीं कर सकते, इसीलिए कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या न्यूज है, गवर्नमेंट नोटिफाई न्यू रूल्स टू क्लियर रेट्रो टैक्स मेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मतलब किस्सा क्या है, न्यूज पर क्यों आया है, मतलब एक रेट्रो टैक्स को लेकर न्यूज आया है। अब रेट्रो टैक्स की मतलब नॉर्मली न्यूज है रिगार्डिंग वोडाफोन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो न्यू वर्ड है रेट्रो टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेट्रो टैक्स आपको याद रखना है, इट अलाउज अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट आइटम और सर्विसेज एंड डील द चार्जेस कंपनी फ्रॉम द टाइम बिहाइंड द डेट ऑफ व्हेन इट लॉ द पास। अब देखिए यहाँ पर वोडाफोन और भी बहुत सारे मतलब कंपनी है, वोडाफोन, KNNB, ये सब क्या हुआ था, देखिए सपोज वोडाफोन को लेकर इशू हुआ है, वोडाफोन जो कंपनी है 2007 में आया था, ठीक है। अब देखिए ये जो टैक्स है 2012 में लागू हुआ है, ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है मतलब किसको लेकर इशू हुआ है, अभी कितना है 2021, वोडाफोन क्या बोल रहा है 2020, ठीक है, 2012 को ये लागू हुआ है, हम 2012 तक लेके 2021 तक पे कर देंगे टैक्सेस। लेकिन देखिए आई को क्या बोल रहा था कि नहीं, हमको गवर्नमेंट ने बोला था हमको क्या करना है 2007 से, मतलब जब से कंपनी आया है तभी से टैक्सेस चालू होना है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारा केसेस हुआ। तो अभी फाइनली राय क्या निकला है, नहीं 2012 से ही आपको देना है। अगर सोचिए कोई कोई कंट्री मतलब कोई कोई कंपनी 2006 से हो तो 2006 से ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उनको क्या होगा, उनको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो रेट्रो टैक्स क्या है ये आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल टैक्सेस है, लेकिन ये इसका रूल क्या है,
जब से कंपनी आया था तब से आज तक आपको पे करना है टैक्स, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, विक्रांत टू सेल आउट फॉर दी फेज टू ट्रायल। अब देखिए आईएनएस जो विक्रांत है उसको लेकर बहुत क्वेश्चन आ सकता है, वही एक है जो इंडिजिनसली डेवलप बाय द इंडिया, ठीक है, इंडिया खुद से बनाया हुआ है ये, ऐसा एक इंडिजिनसली मतलब आईएनएस विक्रांत ऐसा एक मतलब ये हम देख ही पा रहे हैं एक शिप है जो एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो होता है उसको कैरी कर सकता है, क्लियर। तो 2020 में ये लॉन्च हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा एंड इसका जो ट्रायल रहा ये बहुत सेटिस्फेक्टरी रहा, क्लियर। तो ये था मतलब न्यूज को रिगार्डिंग, और इसको लेकर जो स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, अब देखिए आईएनएस विक्रांत और क्वेश्चन आ सकता है नेवी ने कोरोना के टाइम पर कैसा हेल्प किया इकोनॉमी को, देखिए वहां पर आपको याद रखना है दोनों चीज, ठीक है, आई रिपीट दोनों चीज याद रखना है, दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 क्या थे, सपोज जो सारे लोग मतलब दूसरे जगह पर वो लोग मतलब इवैकुएट नहीं हो पा रहे तो उनको इवैकुएट किया, और ऑपरेशन समुद्र से तो 2 क्या है, बहुत जगह से वो लोग वैक्सीन मेडिसिन ले आए, ठीक है। तो नेवी भी मतलब कोरोना के टाइम पर इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट किया है, क्या क्या हेल्प किया है, व्हाट आर द वर्किंग प्रोसीड्योर, तो ये आपको विक्रांत से मिल जाएगा ये न्यूज से। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इंडिया चाइना कॉर्प्स कमांडर टॉक्स नेक्स्ट वीक आर्मी चीफ। अब देखिए ये जो इंडिया और चाइना है इसको लेकर बात करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दैट इज डिस्कशन रिगार्डिंग हॉट स्प्रिंग एरिया विल बी डिसएंगेजमेंट, ठीक है, मतलब एक जगह है हॉट स्प्रिंग करके, इस जगह को लेकर इंडिया और चाइना बात करना चाहता है बिकॉज उस जगह को लेकर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इंडिया एंड चाइना लाइकली टू होल्ड द 13 राउंड ऑफ कॉर्प कमांडर लेवल टॉक नेक्स्ट वीक एम टू द रिवॉल्विंग सैंड ऑफ द एक्सटर्नल लद्दाख। The Chief of the Army Staff General Manoj Naravne said the Saturday, ठीक है, मतलब उसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा कि हॉट स्प्रिंग किसके अंदर आएगा, मतलब ये जो एरिया ये है कौन रूल करेगा, इंडिया या चाइना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए 5 crore houses given water connection, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग JJM मिशन, जल जीवन मिशन जो हुआ है अभी, क्या बोला इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 crore जो हाउसेस है वो वाटर कनेक्शन, मतलब उन लोगों को वाटर कनेक्शन मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट इसी रिगार्डिंग है, क्लियर, आपको याद रखना है। अब देखिए जल जीवन मिशन जो है और भी बहुत कुछ बोलते हैं, देखिए 5 crore हाउस होल्ड हैज बीन प्रोवाइडेड विद वाटर कनेक्शन, देखिए अगर कहीं पर जल नहीं होगा तो कितना आप सोच सकते हैं प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो मिशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था फ्रॉम 2019 ये हुआ था, ठीक है, 1.2 lakh विलेजेस को मिला था 5 crore लोगों का वाटर कनेक्शन, ये बहुत हेल्प हो गया, देखिए न्यूज में भी है, सिंस द लॉन्च जल जीवन मिशन इन द ईयर ऑफ 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड सैटरडे एडिंग द टैप वाटर वाज नाउ रीचिंग एवरी हाउस होल्ड इन अबाउट 1.25 lakh। तो आपको यहाँ से दो चीज याद रखना है, कितने मेंबर को मिल रहा है 5 crore और विलेजेस का नंबर क्या है 1.25 crore, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए अर्जेंट नीड टू स्टॉप लाइसेंस फॉर द न्यू शुगर फैक्ट्री, क्या मतलब किन्होंने कहा है, गडकरी जी ने, ठीक है, नितिन गडकरी कौन है, हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ये जो लाइसेंस है शुगर फैक्ट्री मिल को देना बंद करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज ये जो शुगर फैक्ट्री है उनसे क्या होता है, उनसे शुगर जो प्रोडक्शन होते हैं उनसे हमारा वैसा कुछ मुनाफा नहीं होता है, ठीक है, शुगर की जगह हमको क्या करना है, हमको इथेनॉल प्रोडक्शन करना है, क्यों इथेनॉल प्रोडक्शन करना है, देखिए इथेनॉल अगर प्रोडक्शन करेंगे इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिला के हम काम कर सकते हैं, देखिए पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर सपोज किसी का 5 लीटर पेट्रोल लगे, 5 लीटर की जगह 2 लीटर पेट्रोल लगे इथेनॉल का, इथेनॉल तो कंट्री में अगर प्रोडक्शन होगा तो उसका प्राइस तो घटेगा ही, तो मतलब इथेनॉल 3 लीटर मिला के टोटल 5 लीटर हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉस्टिंग क्या उन्होंने एस्टिमेट किया है दैट इज 12 lakh crore खर्चा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इथेनॉल पेट्रोल की जगह पर मतलब दोनों मिला के खर्चा हुआ तो कितना हो जाएगा 5 lakh crore, क्लियर। तो यही न्यूज में आपको यहाँ पर दो चीज याद रखना है दैट इज मतलब कितना खर्चा हो सकता था, 5 point कितना खर्चा हो सकता था अगर हम शुगर लाइसेंस मतलब शुगर फैक्ट्री लाइसेंस बंद कर दिया जाए
ठीक है, जितना है उसमें ही अगर मतलब समझा दिया जाए कि नहीं अभी शुगर नहीं प्रोडक्शन कीजिए, शुगर की जगह इथेनॉल प्रोडक्शन कीजिए, वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, हाउ बेनिफिशियल इज द न्यू पिल टू पेशेंट विद कोविड-19। क्लियर, यहाँ पर देखिए फार्मास्यूटिकल मेजर मेडिक द रिजवेक बायोथेरेपेसिटी इज अनाउंस इन द प्रेस रिलीज ऑन फ्राइडे। वहां पर एक नया मेडिसिन का नाम दिया गया है, दैट इज मोलनू पिरावीर। ठीक है, मोलनू पिरावीर, ये जो मेडिसिन है ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको ही यूज करना, इसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। ये नाम आप याद रखिए, दैट इज मोलनू पिरावीर, बिकॉज ये नॉर्मली जो कोरोना का जो मेडिसिन है उसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसके लिए ओबेसिटी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो मेडिसिन है इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, ये यूज करने से मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होगा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। आई गॉट कोविशील्ड, आई हैव सर्वाइव UNGHE। अब देखिए कोविशील्ड लिया है, कौन लिया है, दैट इज यूएन जनरल चीफ 76, राइट, हाँ 76 यूएन जनरल चीफ जिनका नाम है अब्दुल्ला शहीद, उन्होंने क्या बोला है, कोविशील्ड मैंने लिया है, देखिए हम एकदम फिट है, बिकॉज देखिए कोविशील्ड को लेकर बहुत सारा इशू हुआ है, बिकॉज कोविशील्ड आर मेड बाय द इंडिया। सो पहले क्या हुआ था, यूके के लिए इशू हुआ था, यूके ये मतलब अप्रूव ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है कोविशील्ड की, कोविशील्ड नहीं लगाएंगे बिकॉज इट इज मेड बाय इंडिया। नाउ यूएन जनरल असेंबली चीफ क्या बोले, मैंने कोविशील्ड लगवाया लेकिन मैं ठीक हूँ, तो इसका परमिशन मिल गया कि हाँ आप यूज कर सकते हो, बिकॉज यूएन का असेंबली चीफ अगर बोल रहा है तो मतलब वो फेक मेडिसिन फेक वैक्सीन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ FTA कैन सरपास। ठीक है, सरपास, अब देखिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल विद ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट डेंटेहन को क्या बोला, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या डिस्कशन हुआ है, दैट इज जिसका फुल फॉर्म FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेगोशिएशन इज स्टार्टेड, किसको, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा तो नेगोशिएशन मतलब ठीक ठाक रहेगा, दे साइन। देखिए सिर्फ FTA नहीं हुआ है उस डिस्कशन में, उस डिस्कशन में द साइन अर्ली हार्वेस्ट पैक, ठीक है अर्ली हार्वेस्ट जो पैक है उनका भी साइन हुआ है इस मीटिंग में। आपको क्या याद रखना है, दोनों चीज बड़ी, द फुल फॉर्म ऑफ FTA और ये मीटिंग किस लिए हुआ था, नेगोशिएशन स्टार्ट, मतलब अगर देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इम्पोर्ट ड्यूटी भी रिड्यूस हो जाता है बहुत कुछ। यहाँ पर बोला क्या गया था, देखिए नॉर्मली टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन वाइन को लेकर, ऑस्ट्रेलियन वाइन को लेकर उन्होंने बोला था जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो अगर इंडिया घटाए तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज इम्पोर्ट टैरिफ कम हो जाए तो चीज का भी दम कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा तो तभी सभी यूज कर सकेंगे। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, अ टिनी प्लांट दैट कैन डाइजेस्ट लो डेंसिटी प्लास्टिक शीट। देखिए यहाँ पर क्या न्यूज है, एक टिनी प्लांट फाइंड आउट हुआ है जो क्या कर सकता है, बायोडाइग्रेडेशन, ठीक है मतलब जो प्लास्टिक है ये सब जो चीज है वो डाइजेस्ट कर ले रहा है ये प्लांट की थी, मतलब यहाँ पर याद रखना ये किस स्पीसीज से आता है, ये एल्गी स्पीसीज से आता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, टॉक्सिक फायर क्रैकर, टॉक्सिक फायर क्रैकर को लेकर मैंने कल भी एक न्यूज बताया था, दैट इज टॉक्सिक फायर क्रैकर देखिए 2000 मतलब 9 में बैन हुआ था, ठीक है 2000, लेकिन तभी जो बैन हुआ था कोई नहीं माना, ठीक है अभी तो दुर्गा पूजा आने वाला है उसके बाद ही दिवाली, तो फायर क्रैकर बहुत सारे लोग यूज करेंगे, लेकिन देखिए यूज आप कर सकते हो लेकिन ये बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत मतलब हार्म करता है, किस चीज को लेकर, ये किस चीज को लेकर हार्म करता है, लंग डिजीज होता हो सकता है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन सभी हो सकता है। 2018 में क्या बोला गया था देखिए, 2018 में बोला गया था दैट इज ये सब बैन करने के लिए, लेकिन वो लोग बैन नहीं किया क्योंकि टॉक्सिक केमिकल में क्या क्या पड़ता है, कैडमियम, लीड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, देखिए आप यूज कीजिए ग्रीन कॉन्सेप्ट, ठीक है क्योंकि अगर मतलब जो जो ये फायर क्रैकर बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों ने क्या बोला, यही तो हमारा काम है, ये अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है तो तभी क्या बोला है, राइट टू लाइवलीहुड से भी इम्पोर्टेंट है राइट टू लाइफ, तो हम लोग मतलब कोई भी इंसान का लाइफ खराब नहीं कर सकते, इसीलिए अभी क्या न्यूज में आया है, आप यूज कीजिए लेकिन ग्रीन यूज कीजिए, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या रूल है देखिए, नेक्स्ट न्यूज
अभी आज का यही तक न्यूज था, क्योंकि इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। चलिए आज यही तक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग